आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जानेंगे जो थे तो मुस्लिम धर्म के, लेकिन उनके लिखे गए श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज हैं, और जिन्हें 12 वर्ष की आयु में ही सारी कुरान मुंह जमाने याद हो गई थी, जिनका सम्मान केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग किया करते थे। हम जिनकी बात कर रहे हैं वे हैं बाबा फरीद जी। बाबा फरीद जी एक महान सूफी संत और पंजाबी कवि थे। आप जी का जन्म 1173 ईस्वी में गांव कोठेवाल जिला मुल्तान में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। आप जी की माता मरियम खातून थी और पिताजी का नाम शेख जमाल उद्दीन सुलेमान था। बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद आपका पालन पोषण आपके माताजी ने किया। आपके माताजी बहुत धार्मिक और नेक इंसान थे। रोज सुबह खुदा की बंदगी करते समय आपको भी अपने साथ बिठाकर कुरान पढ़ने को कहा करते। बाबा फरीद जी को शकरगंज के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि माता चाहती थी कि उनका पुत्र फरीद रोज नमाज अदा करे, जिससे उसका खुदा के साथ प्यार पड़ जाए। एक बार माता ने पुत्र को नमाज पढ़ने को कहा तो वह कहने लगा, माँ नमाज पढ़ने से क्या होगा, मैं क्यों करूँ नमाज, मुझे क्या मिलेगा। माता जानती थी कि उनका पुत्र मीठा खाने का बहुत शौकीन है। उन्होंने तब कहा, अगर तुम रोज नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्कर देगा। ऐसा सुनकर बाबा फरीद जी शक्कर के लालच में अपनी माँ के साथ रोज नमाज अदा करने लगे। आपकी माता आपके आसन के नीचे रोज ही शक्कर की पुड़िया छुपा कर रख दिया करती, ताकि वह उसे अल्लाह का वरदान समझे और रोज नमाज अदा करे। नमाज अदा करने के बाद बाबा फरीद जी रोज ही अपने आसन के नीचे से वह शक्कर की पुड़िया निकालते और खा लिया करते। इस तरह आप नमाज पढ़ने के आदि हो गए। एक दिन माता जी बाबा फरीद जी के लिए शक्कर की पुड़िया रखना भूल गईं। बाबा फरीद जी के द्वारा नमाज अदा करने के बाद एक करिश्मा हुआ, जिसे देखकर उनकी माता हैरान हो गई। उन्होंने क्या देखा कि नमाज अदा करके उनका पुत्र आसन के नीचे से शक्कर की पुड़िया निकालकर खा रहा है, जबकि उन्होंने रखी ही नहीं थी। खुदा के इस चमत्कार को देखकर खुश होकर अपने पुत्र को गले लगाकर कहने लगी, आज तो सच में बेटा तुम्हें अल्लाह ने ही शक्कर खिलाई है, और प्यार से कहने लगी, तुम तो मेरे शकरगंज हो। तभी से बाबा फरीद जी को शकरगंज के नाम से भी पुकारा जाने लगा। शकरगंज का अर्थ है मिठास का खजाना। इस प्रकार बाबा फरीद जी द्वारा रोज अभ्यास करने से केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी कुरान मुंह जुबानी याद कर ली थी। तब माता ने आपसे कहा, अब तुम्हें तपस्या से सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत है। इतना सुनकर आपने तभी से मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि वे बड़े होकर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करेंगी। समय के चलते चलते जब आप कुछ युवा हुए तो आप जी तपस्या करने जंगल में चले गए, जहां आपने 12 वर्ष तक कठोर तप किया। भूख लगने पर आप जंगली फल खा लिया करते, लेकिन जब कुछ भी ना मिलता तो आप केवल पत्ते खाकर ही भूख मिटा लेते। एक बार की बात है, जब बाबा जी तपस्या में लीन थे तो लगातार चिड़ियों की चहचहाहट से आपकी भक्ति में बाधा पड़ने लगी। क्रोध में आकर आपने कहा, चिड़ियों तुम मर जाओ। कहते हैं उसी पल वे सारी चिड़ियां मर गई। यह देखकर वे हैरान हो गए, तुरंत बोले, नहीं नहीं तुम जीवित हो जाओ। अचानक वे सारी चिड़ियां उसी पल जीवित हो गई और उड़ गई। यह सब कुछ देखकर उन्हें अपने आप पर अहंकार हो गया कि मुझे तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं और मेरी तपस्या अब पूरी हुई। यह सोचकर वे वहां से अपने घर को लौटने लगे। रास्ते में चलते हुए उन्हें जोरों से प्यास लगी। थोड़ी दूर ही पहुंचे देखी उन्हें कुएं से पानी भरती एक कन्या दिखाई दी। आप जी ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा।
परंतु उसने आपकी तरफ कोई ध्यान ना दिया। आपने एक बार फिर उससे पानी मांगा, परंतु उसने आपको कोई उत्तर ना दिया, बल्कि वह लगातार कुएं से पानी निकालती और हवा में बिखेर देती। बाबा जी ये सब देखकर हैरान थे। बाबा जी ने तब उसे गुस्से में कहा, कन्या, तुम मुझ प्यासे को पानी न पिलाकर बार बार हवा में उछाल रही हो, ऐसा क्यों? जवाब में उसने कहा, 20 मील दूर मेरी बहन के घर में आग लगी हुई है, जिसे मैं बार बार पानी बिखेर कर बुझा रही हूँ। फ्रीज जी ने मन ही मन सोचा, ये कन्या तो कोई सिद्ध मालूम होती है जो ढेरों शक्तियां प्राप्त कर चुकी है। तब कन्या बोली, बाबा जी, ये कोई चिड़िया नहीं है जो आपके कहने से मर जाएंगी और फिर आपके कहने से जीवित हो उठेंगी, इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। बाबा जी उस कन्या की बात सुनकर हैरान हो गए कि चिड़ियों वाली घटना तो मेरे साथ अभी हुई है, तो इस कन्या को कैसे पता चला। वे ये सोच ही रहे थे, तभी वे कन्या बाबा जी के पास पानी लेकर आई। फ्रीज जी ने तब अपनी प्यास बुझाई। उन्होंने उस कन्या से पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं? मेरे बारे में आपको कैसे पता चला और 20 मील दूर आग बुझाने की सिद्धि आपने कहां से प्राप्त की? तब वे बोली, मैं अपने पति को ईश्वर रूप मानकर जी जान से सेवा करती हूँ और किसी तरह का अहंकार नहीं करती। फ्रीज जी, आपने तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद भी अपनी सिद्धि की आजमाइश करने के उद्देश्य से प्रभु की कुदरत में हस्तक्षेप किया है, जो बिल्कुल गलत है। तब बाबा फ्रीज जी अपनी गलती पर पछताते हुए मन ही मन बोले, मुझे सिद्धि प्राप्त करने पर अहंकार नहीं करना चाहिए था। अपनी सोच से बाहर आते ही उन्होंने क्या देखा, ना तो वहाँ कोई कन्या थी और ना ही कुएं में पानी था, कुआं तो बिल्कुल सूखा पड़ा था। यह दृश्य देखकर वे फौरन समझ गए कि आज उनकी मुलाकात कोई साधारण मनुष्य से नहीं हुई, बल्कि खुदा से हुई है, जिन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। कुछ समय बाद बाबा फ्रीज जी अपने घर पहुंचे। 12 वर्षों के बाद पुत्र को देखकर माता जी अत्यंत खुश हुई और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। बाबा फ्रीज जी ने रास्ते में घटित घटना के बारे में अपनी माता जी को बताया। इतना सुनकर वे चुप रही और पुत्र के सिर में जटाएं बनी देखकर उन्हें कंघी से सुलझाने लगी। फ्रीज जी को तब बहुत दर्द होने लगी। उन्होंने कहा, माता जी, मुझे तो बहुत दर्द हो रही है, आप मेरे बाल आराम से सुलझाएं। इस पर माता जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा, ये तेरे सिर के बाल हैं, जिन्हें कंघी करने से तुझे कितनी पीड़ा हो रही है। जब तू पेड़ों से पत्ते तोड़कर खाता था तो उन्हें भी तो वही पीड़ा महसूस होती होगी। फ्रीज जी ने पूछा, माता जी, वो तो पेड़ हैं, उन्हें कैसी दर्द? इस पर माता ने कहा, जिस तरह जीवों में जान होती है, दुख सुख महसूस कर सकते हैं, पेड़ पौधों में भी वैसे ही दुख सुख का एहसास होता है, उन्हें भी दर्द होती है। इस तरह सभी में खुदा का नूर बसा है, बस इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। माता ने कहा, बेटा, तेरी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार भर गया है कि तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली। तपस्या तो तब संपूर्ण होती है जब मोह माया और अपना ज्ञान ही नहीं रहता और भूख प्यास भी नहीं लगती। तब माता कहने लगी, बेटा, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए अब तुम्हें गुरु की तलाश करनी है, तभी तुम्हारी तपस्या पूरी होगी। कुछ समय बाद बाबा फ्रीज जी गुरु को खोजने घर से निकलकर बगदाद जा पहुंचे। आखिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई और आप जी की मुलाकात ख्वाजा कुतुबद्दीन बख्तियार काकी से हुई, जिन्हें आपने अपना गुरु धारण कर लिया। आप जी गुरु की सेवा तन मन धन से करते। आप सुबह उठते ही गुरु जी के स्नान के लिए पानी गर्म किया करते। उस पुराने समय में आग जलाने के लिए आग को संभाल कर रखना होता था, ताकि सुबह चूल्हा जलाने पर उन्हें आग फौरन मिल जाए। एक बार बारिश के कारण आग रात को ही बुझ गई तो बाबा फ्रीज जी सोच में पड़ गए कि सुबह गुरु जी के स्नान के लिए पानी गर्म कैसे किया जाएगा। तब फ्रीज जी ने किसी घर का द्वार खटखटाया।
जहां उन्हें आग मिलने की उम्मीद थी। वह घर एक वैश्य का था। उससे बाबा जी ने पूछा, क्या मुझे आग मिल सकती है? तो उस स्त्री ने कहा, अगर मैं तुम्हें आग दूंगी तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगी? फ्रीज जी बोले, जो चाहे आप ले सकती हैं। तब उसने कहा, मुझे आपकी आंखें बहुत अच्छी लगी, क्या आप अपनी आंखें मुझे दे सकते हैं? कहते हैं तब बाबा फ्रीज जी ने इस बात की हामी भरते हुए कहा, बस मुझे किसी तरह भी आग दे दो। कहते हैं उस स्त्री ने बाबा जी की आंखें निकालने के लिए एक हथियार से वार किया, तभी उसे बहुत जोर का झटका लगा और वह दूर जमीन पर जा गिरी। उसे समझते जरा भी देर न लगी कि यह कोई खुदा का बंदा है। कहते हैं तब बाबा जी की आंख पर घाव हो गया था। तब उसने बाबा जी की आंख पर पट्टी बांध दी। इस प्रकार बाबा जी उससे आग लेकर अपने डेरे पर वापस आ पहुंचे। गुरु जी ने बाबा फरीद जी से पूछा, फरीद, तेरी आंख पे पट्टी क्यों बंधी है? तो वे चुप रहे। जब गुरु जी ने दोबारा पूछा तो बाबा जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, वैसे ही। तब गुरु जी ने कहा, अगर कुछ भी नहीं है तो आंख पर लगी यह पट्टी अभी उतार दो। गुरु जी की आज्ञा मानते ही जैसे उन्होंने पट्टी उतारी तो आंख बिल्कुल ठीक थी, आंख पर कोई घाव ना था। यह चमत्कार देखकर वे हैरान हो गए। तब गुरु जी ने खुश होकर बाबा जी से कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी जो अब पूरी हो गई है, साथ ही तुम्हारी भक्ति भी पूरी हो गई, और अब तुम जितना हो सके लोगों की सेवा करो, उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाओ, उन्हें प्रभु भक्ति के साथ जोड़ो। यह सुनकर बाबा जी अपने गुरु जी से विदा लेकर अपने घर को लौट आए। कहा जाता है बाबा फरीद जी के गुरु जी ने उन्हें इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए पंजाब भेजा, जहाँ पर बाबा जी 24 घंटे ईश्वर ध्यान में ही लीन रहा करते। उनकी मधुर वाणी सुनकर और सारा सारा दिन ईश्वर के ध्यान में रहता देख हजारों की तादाद में लोग उनसे जुड़ते चले गए। बाबा जी अपने पास आए लोगों की इच्छा पूरी करते। कोई उनसे मन की शांति मांगता, कोई पुत्र की दात मांगता, कोई शारीरिक अरोगता मांगता। सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती। बाबा जी किसी को भी निराश ना करते और सभी की तकलीफें दूर कर दिया करते। कहते हैं कुछ समय के बाद बाबा फरीद जी हरियाणा के हांसी शहर में आ गए। इधर आने पर भी आपके साथ बहुत लोग जुड़ते चले गए। आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक बार की बात है, एक सरकारी चौधरी लोगों से आपकी महिमा सुनकर आपके दर्शनों के लिए आया। सरकारी मुलाजिम होने के कारण वह बहुत अहंकारी और दुराचारी था। वहां पहुंचकर उसने बाबा जी को नमस्कार किए बिना ही बैठ गया। पहले तो उसने मन में विचार किया कि सारे गरीब और गवार लोग ही बैठे हैं, उसे उनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। यह विचार करते ही उसकी नजर तब एक सुंदर स्त्री पर टिक गई, जो बाबा जी के पास पुत्र प्राप्ति की फरियाद लेकर आई थी। कुछ लोगों के साथ वचन करने के बाद जब फरीद जी की नजर उस चौधरी पर पड़ी तो आपने उसे अपने पास बुला लिया। बाबा जी के नूरानी चेहरे को देखते ही वह घबरा गया और कांपने लगा। तब बाबा जी ने उसे वचन किया, चौधरी जी, तुम जो मन में विचार कर रहे हो वे तो तुम्हें नरक की आग में ले जाने वाले हैं। तुम्हें तो बंदगी करनी चाहिए। जिस आदमी को मारने की तुम सोच रहे हो वह नहीं मरेगा, और अपनी काम वासना को यहीं पर खत्म करो। जिस बुरी नजर से तू संगत में बैठी स्त्री को देख रहा है वह मेरी बच्ची है। तू अपने मन को निर्मल कर, तभी तेरा भला हो सकता है। अपने मन की हालत बाबा जी के मुंह से सुनकर चौधरी बहुत घबरा गया। उसने बाबा जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, मुझ पापी की रक्षा करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। फरीद जी के अनमोल वचनों का उस पर इस कदर प्रभाव पड़ा कि उसने फकीरी वेश ही धारण कर लिया और बाबा जी का चेला बन गया। इस प्रकार जीवन के अंतिम पलों तक फरीद जी दुखी लोगों की फरियादें सुना करते और उन्हें इंसानियत का उपदेश देकर भक्ति से जोड़ती। इतिहास में दर्ज है आप जी के 3 विवाह हुए थे।
पहली पत्नी बीबी हजरबा थी, दूसरा विवाह बीबी शारदा जी के साथ हुआ और तीसरा विवाह बीबी शक्कर जी के साथ हुआ। बाबा जी के कुल 5 पुत्र और 3 लड़कियां थी। आप जी ने अपने जीवन का अधिक समय बंदगी में ही बिताया, जिसके कारण आपकी माता जी ने सारे परिवार को बड़े ही प्यार से पाला। बाबा जी का जन्म श्री गुरु नानक देव जी से करीब 300 साल पहले हुआ था। बाबा फरीद जी इतनी महान शख्सियत थे, यह इस बात से साबित होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आपकी बानी श्लोक शेख फरीद जी के नाम से दर्ज है, जिसमें 4 शब्द और 112 श्लोक हैं। भारत के पंजाब में स्थित फरीदकोट शहर का नाम बाबा फरीद जी के नाम से ही रखा गया था, जहां आपने 40 दिन तक तप किया था। आजकल उस स्थान पर गुरुद्वारा टिल्ला बाबा फरीद जी स्थित है, जिसके अंदर ही दरगाह भी मौजूद है। सभी धर्मों के लोग वहां जाकर बड़ी श्रद्धा भाव से नतमस्तक होते हैं। सन 1265 में 90 वर्ष की उम्र होने पर आपने अपना शरीर त्याग दिया और अपने पुत्र शेख बद्रुद्दीन को गद्दी का वारिस बना दिया था। पाकिस्तान के शहर पाकपट्टन में आपकी दरगाह भी बनी हुई है और वहां पर एक कुआं भी मौजूद है, जिसमें आप अपने शरीर को उल्टा लटकाकर हठ योग द्वारा अल्लाह की बंदगी किया करते थे। बाबा फरीद जी एक अनमोल हीरे थे। आपकी रचनाएं वैराग, त्याग, प्यार, ईश्वर मिलने की तड़प से भरी हैं। कहा जाता है कि आपकी जुबान में बहुत मिठास थी, जो भी बोलते शहद में घुला होता। तो ये थी कुछ खास बातें बाबा फरीद जी के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।